हे व्हाट्सअप गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे निविया का ओसलार 2.0 फुटबॉल शू। और ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसका फुटबॉल का लुक दिख रहा होगा। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, इसका कोई कवर नहीं दिया, इसी पे इसका टेम्पलेट चिपका कर दे दिया। ये निविया का है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फेसबुक का है। फेसबुक में अगर आप पता फेसबुक भी आप इस निविया का ज्वाइन कर सकते हैं निविया स्पोर्ट्स से, और वेबसाइट पे भी जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसका प्राइस पड़ा मुझे, मैं आखिर बताऊंगा प्राइस कितना पड़ा है। और हाँ दोस्तों, वीडियो इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, प्लीज़। आपको बस सब्सक्राइब करने बोलो, लाइक मत कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलिए अब देखते हैं और क्या क्या इस पर है। फुटबॉल तो निविया का है। और हाँ दोस्तों, ये जो है अंतरिक्ष का फुटबॉल है, इसका मैंने अनबॉक्स किया। ये इसका थंबनेल है। और मैंने एक और निविया का क्रीन 2.0 फुटबॉल शू का भी किया है। और इसका जो थंबनेल है ये है जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे। और जो एक और फुटबॉल शू का डाला है उसका भी ये थंबनेल है, आप इसको भी देख लें। इसका कुछ क्वालिटी है मैंने बता रखा है वीडियो में, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये है। और ये फुटबॉल शू यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ दे रखा है इसका डिटेल्स, आप देख पा रहे होंगे। MRP है 1699 यहाँ पे है, वो आपको ब्लर दिख रहा होगा मैं आपको, और इसमें उतना डिटेल नहीं। ये 8 नंबर का मैंने मंगाया है सिंपली। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। और ये वीडियो पसंद आए ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आपको अगर और भी ऐसे अनबॉक्सिंग चाहिए कमेंट करें, जिस चीज़ का भी अनबॉक्सिंग चाहिए फुटबॉल से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स से कुछ भी, मैं हर चीज़ का अनबॉक्स करूँगा। चलिए अब अंदर देखते हैं क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, ये है शू इसका, ये एक पेयर है, आप देख पा रहे होंगे। इसको देखते हैं, साइड में रखते हैं इसको पहले, इसके अंदर देखते हैं। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक तरह से ये दो काम पे है, एक तो अगर आप पहन नहीं पा रहे तो उतना बताऊँगा, और एक स्टैंड भी है जूते का फ़ोटो खींचने के लिए, आप देख सकते हैं। और बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं है, अमेजोन से मंगाया है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। चलिए अब इसको साइड में रखते हैं, आप जूते को देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों लुक, देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये रहा जूते का लुक। और ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रिप बन रखा है यहाँ पे डॉट डॉट करके, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे पहले से ये एंकलेट दे रखा है, ये भी बहुत अच्छा लगा। और इसका यूज़ भी ये है कि अगर आप इसको नहीं पहन पा रहे तो इसको पहले लगा ले फिर पैर डाले, और इसको ऐसे खींचेंगे ना तो आप अच्छे से पहन पाएंगे। ये लेस है, यहाँ से होल दे रखा है, यहाँ से निकालने के लिए अंदर ही रहता है ये। और इसका जो नीचे का ग्रिप है ये डबल लेयर है, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों ये एक वाइट का है, उसके ऊपर फिर ब्लू कलर का दिया है, और अच्छा लुक भी लग रहा है और ग्रिप भी दे रखा है। और ये जो है ना शेप का बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। और इसका जो ग्लू है ये बहुत अच्छा है, मैंने इसका पढ़ा, इसका रिव्यू भी देखा, बहुत सही से रिस्पॉन्स आया था, इसलिए मैं भी सोचा इसका अनबॉक्स करता हूँ। और अंदर देख पा रहे होंगे ये निविया लिखा हुआ, और ये जो निविया का लोगो भी बहुत अच्छा है देख पा रहे होंगे। और ये देखिए आप, पूरा ये स्ट्रेच हो जा रहा है, स्ट्रेचेबल है ये, मेरे को एक बजट प्राइस में सही लगा निविया का। और ये मुझे लग रहा है कि ये एडिडास का एक या नाइक का एक लुक कॉपी किया गया है, पर मुझे बहुत सही लगा। और ये मेड इन इंडिया है पूरी तरह से। और आपको अगर ये ख़रीदना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और अब मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं, मैं अपने एंड स्क्रीन में बहुत सारा 2-3 वीडियो लगा दूंगा और प्लेलिस्ट लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और आप इसमें सबसे अच्छा है कि ग्रिप सही है, यहाँ पे ग्रिप देख पा रहे होंगे आप ग्रिप, और यहाँ पे डॉट डॉट पहले तो वाइट है, फिर डॉट डॉट ब्लू करके फिर पूरा ब्लू हो गया, ये बहुत अच्छा फिनिशिंग लगा मेरे को। और ये एंकलेट भी बहुत सही लगा मुझे, थोड़ा बड़ा एंकलेट है और सही है। और भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करना, आज के लिए वीडियो इतना ही, वीडियो पसंद है सब्सक्राइब जरूर करना।